हम लोग भी भूल सकते हैं। कोई कहता है कि हम नहीं भूलते ना तो झूठ बोल रहा है और आपको होपलेस कर रहा है कि आप मत पढ़िए, आप मानिए कि हम बहुत विद्वान है। नहीं, आप भी हम भी बराबर है। अरे कहीं ना कहीं आप ज्यादा मेहनत करते हैं हम लोग से ज्यादा। हमको केवल जीएस देखना है, आपको जीएस मैथ रीजनिंग इंग्लिश फोन पे भी देखना है। अकेले जिम्मेदारी हम लोग से तो ज्यादा खतरनाक आप लोग। बाकी क्या दुनिया सुनी पड़ी थी, उन्हें पता था कि जो आंदोलन जो शुरुआत बिहार की पावन धरती से शुरू हो सकता है वो कभी असफल हो ही नहीं सकता है। और जब तक असफल, जब तक बिहार की धरती से शुरू किया गया कोई भी साहसिक कार्य सफल नहीं हो जाता तब तक यमराज को भी रुकना पड़ता है। देखिए जब तक आजादी नहीं मिली गांधी को किसी ने छुआ तक नहीं, क्योंकि ये बिहार की धरती है। आप भी इसके लिए बनिए। विगत कुछ सालों में बिहार में जो भी जी नाम हुए, हम अपने पूर्वजों का नाम गिनवाते हैं। याद करो अशोक यही का था, याद करो चंद्रगुप्त यही का था, याद करो आर्यभट्ट यही का था, बुद्ध यहाँ के थे, जैन। हम आपसे पूछते हैं अभी ये क्यों मर गया ये चीज, अभी आप कहाँ गया ये जुनून हमारा आपका, अभी बोलिए कि अभी क्या हो रहा है आपका, होना चाहिए कि नहीं आपकी। कब तक हम अपने पूर्वजों का नाम लेकर सहारा जीते रहेंगे? क्या आपके अंदर जुनून नहीं है? क्या आपका खून नहीं खोलता है कि हम बिहार का एक नया गौरव फिर से लिख सके? क्या आप नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, यहाँ पर केवल आप कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता जी। अभी आपको कोई ढकेल दिया है उधर चलो, उससे क्या दिक्कत है बाबू आपको? कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं लेगा। आज हम ही आपसे पूछते हैं, हमको कोई बोलेगा कि चल उधर चलो? नहीं ना, फिर आप इतने छोटे ही हैं अभी कि क्या करिएगा, कोई बोल देता है और आप उसको दोष देते हैं। अपने को देखिए ना कि आप इतने छोटे क्यों हैं। जुनून लगाइए और इतना बुलंदी पे जाइए कि जिस दिन आप चले तो सड़क आपके लिए खाली हो जाए, ताकि कोई आपको ये कहने वाला ना रहे कि उधर चलो। अब तब उस व्यक्ति को जाइएगा और इज्जत से बोलिएगा कि देख हम तुमसे बदला लेने नहीं आए हैं, याद कर कुछ साल पहले तूने मुझे बोला था कि चल उधर चलो, तेरी उस बेइज्जती का नतीजा जो मैं आज कामयाब हो गया, तुम्हें हम धन्यवाद देने आए हैं। ये बदले की भावना मत रखिएगा, ये गलत चीज है, ये एकदम गलत चीज है। कम से कम आपको रहना चाहिए, आपका संस्कार इतना अच्छा रहना चाहिए कि कम से कम लोग आपसे मिलने के बाद ये जरूर पूछे कि इसके माँ बाप कौन है, इसके शिक्षक कौन है। बदले की भावना मत रखिएगा, गुस्सा सबसे खराब चीज है। लोग कहते हैं अहंकार गलत है, गलत बोलते हैं, अहंकार गलत नहीं होता। अहंकार को पैदा करने वाला गुस्सा होता है। जब तक आपको गुस्सा नहीं आएगा ना तब तक आपको अहंकार ही नहीं आएगा। गुस्सा जो है ना उसका जड़ है, जड़ और अहंकार एक पेड़ है। अभी आपको कभी लगता है कि कोई आदमी प्यार से इसे बैठा है, नाश्ता कर रहा है और कहेगा कि तेरा हमको चुप कर देंगे, लेकिन पहले उसको गुस्सा आए, समझे ना, पहले उसको क्या आएगा? गुस्सा। और गुस्सा के बाद उसे अहंकार आएगा और ये अहंकार आपको बर्बाद करेगा। अरे सोना का लंका तो हमारी और आपकी औकात के, हम किस डेक्ची के मसाला है। इसलिए अहंकार मत कीजिएगा। कभी भी याद रखिएगा कि अगर आज आप असफल हैं तो ये आप अस्थाई नहीं हैं, एक ना एक दिन आप सफल होंगे। और अगर आप सफल हैं तो घमंड मत करिएगा कि आप सफल हैं, क्योंकि ये बर्बाद होने में समय नहीं लगता है। आप इतिहास उठा के पढ़िए, हम सब अपना इतिहास उठा के देखिए। पहले कबूतर लेके जाता था चिट्ठी, कबूतर जा जा आया डाकिया ले गया कबूतर को, डाकिया को टेलीफोन आके ले गया और टेलीफोन को मोबाइल ले गया, मोबाइल को फेसबुक मार दिया और व्हाट्सएप पे लिख के छोड़ दिया था, खाली होगा तो अपने पढ़ लेगा, समझा गया। तो अगर आप अपनी कामयाबी पर इतर आते हैं तो बताते रहिएगा, कोई ना कोई आपको कुचल के चला जाएगा। जिस आपके दिल में डर होना जरूरी है कामयाबी के लिए, एक दिल में डर होना जरूरी है। वो डर जो आपको सोने ना दे, वो डर जो हमेशा आपके आंख में रहे कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा पड़ोसी का रिजल्ट हो जाएगा, मोहल्ले वाले हम पे ताना देंगे कि दोनों एक क्लास में बैठ के पढ़ते थे, वो बदमाशी करता था, रिजल्ट नहीं हुआ उसका रिजल्ट हो गया। ये डर आपके आंख में जब तक रहेगा ना, ये डर आपको सोने नहीं देगा और यही डर है जो आपको एक दिन अपनी बुलंदी पर पहुंचाएगा। लेकिन ये डर मरते जा रहा है लड़कों में, उनके अंदर डर नहीं है कि अरे ये वैकेंसी नहीं होगा तो अगले वैकेंसी में करें। ये डर पैदा करें, डरना भी जरूरी है बाबू, वरना अगर नहीं डरेंगे ना आप तो ये अपने आप में अपने आप से आप एक छल कर रहे हैं यहाँ पर। और इतने भी नहीं पढ़ लिए हैं कि जो आपको डरने की जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि केवल पढ़ने वाले आप नहीं हैं, ये चैलेंज आपका पूरी 130 करोड़ देश वाले हिंदुस्तान से, इसमें इसे चैलेंज करना कोई आसान बात नहीं है। तो जिस दिन आपको लगे ना कि आप हम बहुत ज़्यादा हम पढ़ लिए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, ये गलत बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन में केवल एक उपदेश दिया है, कहा भी जाता है कि अगर आगे बढ़ना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरणों उनके चरित्र को अपनाइए और कृष्ण के उपदेशों को अपनाइए। सही सुने, गलती करिएगा तो पिटा जाइएगा।
अब गलती से कहीं कृष्ण के चरित्र अपना लिए दिक्कत हो जाएगा, समझा ना। तो उनके उपदेश को राम जी ने केवल एक बात बोला था, उन्होंने कहा था कि जब तुम अपने ऊपर अतराने लगो कि तुमने बहुत किया है, तो अपने आप से ये पूछना कि तुम कितना कर सकते थे। कामयाबी इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि आपने कितना किया, डिपेंड इस बात पर करता है कि आप कर कितना सकते थे। आज लड़का 4 घंटा पढ़ गया, लिखता बाप रे बहुत पढ़े, तो पूछो ना कि भैया 24 का 20 घंटा क्या किया था। इंग्लिश में कहते हैं टुडे इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन एंड वट एवर वी विश टू विन फ्यूचर इज डिपेंड ऑन आवर प्रेजेंट एक्टिविटीज, कि आज हम क्या हैं ये एक रिजल्ट है कि हमने कल क्या किया था। और ये वास्तविकता भी है, आप बेरोजगार बैठे हैं तो इस बात का ये रिजल्ट है कि आप कल क्या किए थे। एंड वट एवर यू वॉन्ट टू विश इन योर फ्यूचर, आप अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं इज डिपेंड ऑन और योर प्रेजेंट एक्टिविटीज, ये डिपेंड करता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। अभी फेसबुक चलाने वाला विद्यार्थी अगर ये सोचे कि हम दरोगा बनेंगे, तो फिर वो विद्यार्थी कहाँ जाएगा जो अभी पढ़ रहा होगा किताब लेकर। क्या भगवान इतना बेवकूफ है? हम लोग भगवान को ब्लैकमेल करते हैं कि रिजल्ट करा दीजिए ना 2 किलो पेड़ा। अरे भले इतना वैल्यू गिरा दिया, 300 रुपये के पेड़ा में तेरा रिजल्ट दिला देगा। उतना तो वो कॉन्स्टेबल लेता है 500 रुपये, भगवान को उनसे नीचे लेके चल गया। भगवान फॉर्म भरे हैं, रिजल्ट आ गया, दया दृष्टि करिएगा 2 किलो पेड़ा। पेड़ा घटा लग गए, सृष्टि का निर्माण करने वाला को 2 किलो पेड़ा से डिस्टर्ब करता है।